ये दोनों चीज़ें हैं कि गुणवत्ता बनी रहे, समय पर पूर्ण हो जाए और ताकि जो पीछे से जो पानी आए वो सही समय पर, यानी 13 तारीख से ही उसको जहां वहीं पर ही हरिके पर ही फ्लैश आउट कराने का काम चालू कर दिया जाए। ओवरलोड वाहन किसी भी सूरत में नहीं चलने दिए जाएंगे। राजस्थान की जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर का रिलेनिंग का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जहां एक और पंजाब के अंदर भी रिलेनिंग का कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान की सीमा के अंदर भी मसीताली हेड के पास से रिलेनिंग का कार्य शुरू किया हुआ है। वहीं दूसरी ओर सौभाग्ययुक्त बीकानेर और आईजी बीकानेर आज यहां पहुंचे हैं मसीताली हेड पर। उन्होंने रिलेनिंग के कार्य को देखा है, यहां की प्रक्रिया को समझा है, यहां की रिलेनिंग को मौके पर जाकर बारीकी से देखा है। वहीं दूसरी ओर जो उन्हें कमियाँ दिखाई दी हैं उसके लिए संबंधित मुख्य अभियंता को मौके पर ही निर्देश भी दिए गए हैं कि रिलेनिंग के कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए और जो गुणवत्ता है उससे कोई समझौता नहीं किया जाए। ठेकेदार को भी मौके पर बुलाकर उससे जानकारी ली गई है और किए गए कार्य को मौके पर जाकर देखने का उन्होंने यही कहा उद्देश्य है कि रिलेनिंग का कार्य सही समय पर और गुणवत्ता के साथ हो ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। आइए आपको सुनाते हैं कि बीकानेर डिविजनल कमिश्नर का इस रिलेनिंग के कार्य को देखने के बाद क्या कहना है, सुनिए। देखिए, राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान है जिसमें नहरबंदी को लेकर के इस नहर के मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। तो आज जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और आईजी साहब के पूरी टीम के साथ हम इस कार्य को देखने आए हैं कि ये कार्य जो समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाए, गुणवत्ता इसकी मानकों के अनुरूप हो और साथ ही साथ जो निश्चित तिथि है यानी 19 मई उससे पहले पहले पूर्ण हो जाए, ताकि जिसके नीचे के जो 10 ज़िले हैं जो पीने के पानी पर निर्भर करते हैं, गर्मी भयंकर पड़ रही है तो पीने के पानी की सुनिश्चितता भी हमें देखनी है। तो यही दोनों चीज़ें हैं कि गुणवत्ता बनी रहे, समय पर पूर्ण हो जाए और ताकि जो पीछे से जो पानी आए वो सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाए। पंजाब राज्य से इंदिरा गांधी नहर में कई वर्षों से केमिकल युक्त गंदा पानी भी आ रहा है, जिससे कई ज़िले राजस्थान के परेशान हैं, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। इस मुद्दे को हालांकि शबनम गुदारा जनप्रतिनिधि के द्वारा मौके पर सौभाग्ययुक्त को ज्ञापन भी दिया गया, उठाया भी गया है, पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं कि सौभाग्ययुक्त का जो पंजाब से गंदा पानी आ रहा है उस पर क्या कहना है, सुनिए। स्थानीय जी गंदे पानी के लिए इस बार हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने 13 तारीख से इसकी व्यवस्था करी है कि जो गंदा पानी गेट खोलते ही आता था उसको 20 को गेट खुलेंगे, तो 20 को गेट खुले उससे 7 दिन पहले यानी 13 तारीख से ही उसको जहां वहीं पर ही हरिके पर ही फ्लश आउट कराने का काम चालू कर दिया जाए, ताकि जो गंदा पानी इकट्ठा हो गया है वो 7 दिन में फ्लश आउट हो जाए। तो पीछे से जो साफ़ पानी आएगा जब हरिके के गेट हमारे लिए खुले तब वो एकदम साफ़ पानी आए, तो कोशिश करेंगे इस बार की साफ़ पानी पूरा। ये बिंदु कई मीटिंग्स में पहले भी उठाया गया है कि पंजाब सरकार से कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उनसे बात की जाए। वहाँ काफ़ी सारे ऑफिसर्स में अभी परिवर्तन भी हुआ है, तो ये राज्य सरकार के संज्ञान में भी है और हमें हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी WRD हैं उन्होंने भी अपने काउंटर पार्ट से बात की है। डिविजनल कमिश्नर बीकानेर होने के नाते से हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे काउंटर पार्ट अधिकारियों से बात करके वहाँ पर जो जितने भी ट्रीटमेंट प्लान बनाने का प्लान था वो पूरा बन जाए, ताकि जो गंदा पानी है वो इस सिस्टम में ना आने पाए। मौके पर उपस्थित ठेकेदार के द्वारा बीकानेर से बजरी वे रोक टोक लाने के लिए एक एप्लीकेशन सौभाग्ययुक्त को सौंपी, तो सौभाग्ययुक्त बोले ओवरलोड किसी भी सूरत में किसी के ट्रक को बजरी लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही हम आपके प्रस्ताव को मानते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि ओवरलोड वाहनों पर क्या बोले। ओवरलोड वाहन किसी भी सूरत में नहीं चलने दिए जाएंगे, उससे सड़कें टूटती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, आम जनता को काफ़ी असुविधा होती है और आविधिक कार्रवाई है, इलीगल चीज़ है, तो ओवरलोड बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि अभी बजरी की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था करा दी जाएगी, जिस प्रकार हमने सीमेंट की व्यवस्था कराई है तो बजरी की व्यवस्था भी करा देंगे। पंजाब में रिलेनिंग चल रही है, क्या आपका कोई प्रोग्राम है? अभी तो नहीं है, आगे हो सकता है प्रोग्राम बने।
रिलाइनिंग के कार्य को देखने आज आईजी पुलिस बीकानेर भी पहुंचे हुए हैं। जब उनसे कलम न्यूज के द्वारा जो सवाल किया गया कि पंजाब राज्य से इंदिरा गांधी नहर में आए दिन जो है वहाँ से डेड बॉडी आती है, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, और वहीं दूसरी ओर आए दिन इंदिरा गांधी नहर के अंदर आमजन के द्वारा छलांग लगाकर अपनी आत्महत्या करने के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और मसीता वाली हेड पर SDRF चौकी खोलने की बातें हुई थी, प्रस्ताव भी दिया गया था, इसके संबंध में उनका क्या जवाब है आपको सुनाते हैं, सुनिए। अभी मैंने कलेक्टर साहब से और इस साहब से वार्ता की है, और मुझे भी लगता है कि यहाँ पे आवश्यकता है SDRF की चौकी खुले या कोई व्यवस्था कायम हो, जिससे कि यहाँ पे जैसे डेड बॉडीज़ भी आती हैं, कोई क्राइसिस भी होता है तो उसमें ज़रूरत पड़ती है गोताखोरों की, उस पर जैसा प्रस्ताव आएगा हम मुख्यालय से बात करके और इसकी व्यवस्था कराने की कोशिश करें। चर्चा हुई है और इसके लिए वो भी चिंतित हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई हो, और वहाँ भी कार्य योजना बन रही है, और जब हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी तो हम भी करेंगे, ऐसा कोई डिफिकल्ट सिचुएशन अभी आया नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि पंजाब से जो गंदा पानी वर्षों से आ रहा है उसके लिए सौभाग्ययुक्त के स्तर से क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वहीं SDRF चौकी मसीतावली हेड पर खोलने के लिए IG पुलिस बीकानेर के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।